અને કેજરીવાલ પર આરોપ લગાવનાર કપિલ મિશ્રાને હવે જાનથી મારી નાખવાની ધમકી મળી રહી છે. કપિલ મિશ્રાને ઇન્ટરનેશનલ નંબર પરથી ગોળી મારીને જાનથી મારી નાખવા માટેનો ધમકી ભરે ફોન આવ્યો હતો. આ ઉપરાંત કપિલ મિશ્રાએ વોટ્સએપ પર ધમકી અને અભદ્ર શબ્દો બોલવાનો પણ આરોપ લગાવ્યો છે. उसके बाद जनता अपने आप इनको कुर्सी से उतार देगी. कहने पे यात्राएं करवाई जा रही हैं क्या क्या पार्टी नेतृत्व? अभी तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि ये सारी यात्राएं अरविंद केजरीवाल जी के कहने पर ही की गई हैं. और मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि पांच लोग हैं, इन पांचों ने पिछले दो सालों में कितने दिन विदेशों में बिताए, कौन कौन से देश में गए, वहां पर क्यों गए, क्या किया और किसके पैसों से गए, निजी सरकारी दोनों का हिसाब किताब देना होगा. और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, एक बात और कहना चाहता हूं, सरकार चलाने के लिए, मंत्रालय चलाने के लिए विदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ती. मैं भी दो साल से मंत्री हूं, अकेला मंत्री हूं, एक भी विदेश यात्रा करने की जरूरत नहीं पड़ी. और काम जिस दिन परफॉर्मेंस आपकी और हमारी तुलना की जाएगी उस दिन उसकी भी तुलना कर लेंगे. आपका मैसेज आया था धमकी वाले, मैसेज दिखा सकते हैं कौन था वो, कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, एक अंतर्राष्ट्रीय नंबर से मेरे पास कॉल आई और उसके बाद धमकी आई, गोली मारने की धमकी दी है. लेकिन मैं ये, मेरे को मालूम है जो मैं कर रहा हूँ उसमें ये सारी चीजें तो होनी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. पुलिस से शिकायत क्यों नहीं की आपने? कोई शिकायत क्यों नहीं की? नंबर है, नंबर आपको बता दिया. ये इस प्रकार देखिए, कुछ लोग अंधभक्त है, उन लोगों को इस प्रकार की धमकियां देनी आती हैं. और अब तो मैंने अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं का डिटेल मांगे हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से इस प्रकार की धमकियां आए, कुछ लोगों को परेशानी हो, ये स्वाभाविक है. मेरे में कोई डर नहीं है. सीरियस तो ये है सर कि मैं यहाँ बैठा हूँ, सबके सामने खुले में बैठा हूँ, जिसको आना है मार के चला जाए. बिल्कुल उसी से संबंध है. मेरे को व्हाट्सएप पे और भी बहुत सारी गाली गलौज और तरह तरह की भाषा भिजवाई जा रही है सर. इतने ज्यादा व्हाट्सएप पे और बाकी जगह पे संदेश भिजवाए जा रहे हैं कि बहुत अलग अलग नंबर से भी कॉल है, लेकिन कोई शक की जरूरत नहीं है. आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है. मेरे को नहीं मालूम कौन करवा रहा है, लेकिन विदेश यात्राओं के डिटेल मैंने मांगे हैं और विदेशों से ही फोन आने शुरू हो गए हैं. तो कपिल मिश्रा मीडिया समक्ष जणावी रह्या छे कि अलग अलग नंबर थी व्हाट्सएप अने अन्य माध्यम द्वारा पण मने जे अपशब्दो छे, जे धमकीओ छे ते मळी रही छे. खास करीने आंतरराष्ट्रीय नंबर परथी जे फोन आव्यो छे, धमकी भरे फोन, तेमनुं कहेवुं छे कि ज्यारे मैं विदेश यात्राने लईने खास विगतो मांगी छे, डिटेल्स मांगी छे, तेने लईने आ प्रकारना फोन अने धमकी मळवी सामान्य छे. अने आने लईने तेमणे कोई पण हजु सुधी पोलीस फरियाद नथी नोंधावी, तेने लईने पण मीडियाकर्मीओ द्वारा सवाल पूछवामां आव्यो तो तेमणे जवाब आप्यो छे कि आ स्वाभाविक छे, कारण के मैं जे खास विगतो मांगी छे, जे सवालो उभा कर्या छे, जे खुलासाओ कर्या छे, तेने जोता आ प्रकारनी धमकीओ मळवी सामान्य छे. तो कपिल मिश्रा द्वारा मीडिया समक्ष आ प्रकारना जे निवेदनो छे ते आपवामां आवी रह्या छे.